Hello everyone, today we are going to starting first chapter of the class 9th chemistry portion of the science. Okay, बेटा साइंस का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे. ओके, क्या बेटा फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन व्हाट इज मैटर. फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग. वी एक्सप्लेन मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास. एनीथिंग व्हिच इज ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. ओके, मैटर एक्चुअली मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल. मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल. मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल, पार्टिकल मे बी, पार्टिकल. ओके, पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल. ओके, पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल. व्हाट इज एटम? You know about atom? Smallest particle of the matter. Smallest particle of the matter which cannot divide further. Okay? किसी भी matter का जो smallest particle होगा, सबसे छोटा particle, tiny particle, इसको हम further divide नहीं कर सकते. That is called atom. What is molecule? Group of atom. Group of atom is called molecule. Let us take example of atom. एटम कोई एग्जाम्पल बेटा, हाइड्रोजन दिस इज एटम. ओके, नाइट्रोजन एटम, नियॉन, सोडियम आर एटम. सब क्या है बेटा? ये एटम. मॉलिक्यूल क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम. तो बेटा हाइड्रोजन एटम है, बट दो हाइड्रोजन का अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल. एच टू इज द मॉलिक्यूल बट एच इज द एटम. ओके, एनीथिंग जी जब ऑक्युपाई स्पेस एंड हम का इज कॉल्ड मैटर. मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल. पार्टिकल में भी एटम आर मॉलिक्यूल. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कैन नॉट डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल. ओके, नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ मैटर. मैटर एग्जाम्पल ऑफ मैटर लाइक ए पेन, इज द मार्कर, मार्कर, बुक, बुक ऑल आर मैटर. इस बोर्ड इज ऑल्सो मैटर. ओके, पेन, मार्कर, बुक, सब क्या बेटा? मैटर. ओके, बट विच इज नॉट, क्या मैटर नहीं है एक्चुअली? जब सब चीज मैटर है, ऑल आर मैटर, बुक, पेन, फैन, एक्चुअली इवन यू एंड मी, मतलब एक्चुअली सब, एक्चुअली जब मैटर है तो मैटर है क्या बेटा? मैटर कोई फीलिंग लाइक हैप्पीनेस. ओके, हैप्पीनेस, एयर, नॉट एयर, हैप्पीनेस, हेटर्ड, किसी से आप नफरत कर रहे हो, खुश हो आप. ओके,
फ्लैटर्ड किसी से नफरत कर रहे हो, एक्चुअली कोई चीज सोच रहे हो आप, थिंकिंग कोई चीज सोच रहे हो कि ये हम करेंगे, दिस इज नॉट मैटर, कोई स्पेस कवर नहीं होता इसका, दिस इज नॉट कवर इन स्पेस एंड नॉट नो कंटेनिंग मास, ओके दिस इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है, हैप्पीनेस है, हैटर्ड है या कोई थिंकिंग आप कोई सोच रहे हो, दिस इज नॉट कवर इन स्पेस एंड नो कंटेनिंग मास, दिस इज नॉट मैटर, ओके। ओके, पेन मार्कर बुक ये सब क्या बेटा, मेटल, मेटल कंपाउंड दैट्स ऑल आर मेटल। साइडो कौन बताएगा, साइडो, साइडो व्हाट इज साइडो, साइडो मेटल आर मेटल है साइडो, नो साइडो कोई बेटा, साइडो कोई स्पेस कवर या इसका कोई मास नहीं होता, साइडो इज नॉट मेटल, ओके। I hope it is clear to you. Now we are going to start new topic on the basis of physical property. Matter divided into mainly two categories. On the basis of physical and chemical property. On the basis of physical and chemical property के basis पर matter क्या किया गया बेटा, divide किया गया। On the basis of physical property. मैटर डिवाइडेड इंटू मेनली थ्री कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी थ्री कैटेगरी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर को कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया बेटा, मेनली थ्री कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके सॉलिड लिक्विड एंड गैस, दो और है बेटा प्लाज्मा एंड बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसर, बट मेनली जो हम स्टडी करते हैं, जो स्टेबल जो एग्जिस्ट करता है मेनली, वो क्या बेटा सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ओके। सॉलिड व्हाट इज सॉलिड, क्या प्रॉपर्टी होता सॉलिड का, सॉलिड है फिक्स सेप एंड डेफिनेट वैल्यू, ओके सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वैल्यू, ओके लिक्विड डेफिनेट वैल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ओके इफ यू टेक वन ग्लास वाटर एंड पुट इनटू एनी अदर कंटेनर द शेप ऑफ द लिक्विड चेंज, ओके तो लिक्विड का शेप बेटा फिक्स नहीं होता बट वैल्यूम फिक्स होता, अगर वन ग्लास वाटर है तो वन ग्लास ही वाटर रहेगा, बट अगर किसी अदर कंटेनर में उसको पुट कर दोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ओके सॉलिड दिस इज द सॉलिड दिस मार्कर सॉलिड बेटा, अगर इसको कहीं पुट कर रखोगे तो इसका शेप एंड वैल्यूम दोनों क्या होगा बेटा फिक्स होगा, ओके क्लियर। नेक्स्ट गैस बोथ आर Not fixed. Both मतलब shape and volume. Shape gas have no definite shape and volume. Gas का कोई definite ना तो shape होता ना ही कोई volume होता, okay? Now we are going to relate property of solid, liquid and gas, okay? Solid. लिक्विड एंड गैस इन द सॉलिड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लो, ओके स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन गैस स्पेस बिटवीन पार्टिकल आर
more space between the particles. Okay, in the liquid, moderate space between the particles. Okay, space between the solid and gas moderate होता है बेटा इसके space between the liquid. Okay, liquid solid से ज्यादा और gas से कम. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बेटा सबसे मैक्सिमम गैस में, मिनिमम सॉलिड में और मॉडरेट किसमें होता है बेटा लिक्विड में. मैक्स मिनिमम कहा होता है बेटा, मिनिमम मॉडरेट एंड मैक्सिमम मैक्सिमम इन द गैस फॉर्म. ओके, मॉडरेट किसमें होता है लिक्विड में. नेक्स्ट बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, जो फोर्स एक्ट होता है वो कहते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम कहा होगा सॉलिड में, बिकॉज पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर. पार्टिकल इतने क्लोज हो, इतना डिस्टेंस कम होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल क्या होता है मैक्सिमम होता है. ओके, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम इन सॉलिड, मॉडरेट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस, बिकॉज पार्टिकल आफ्टर गैस आर फार अवे ईच अदर. बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल बेटा, दूर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बिटवीन द पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा. ओके, सॉलिड में बहुत पास होते हैं पार्टिकल, स्पेस कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. ओके, इन द लिक्विड मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं पार्टिकल ना ही बहुत पास होते हैं. इनका स्पेस जो होता है बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट होता है. ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? किसी भी बॉडी में मूवमेंट्स के कारण जो एनर्जी होता है बेटा, मूवमेंट्स, वही बॉडी अगर मूव कर रही है उसमें जो एनर्जी डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसमें होगा बेटा? मैक्सिमम इन द गैस एज. ओके, इन द लिक्विड मॉडरेट. ओके, बट इन द सॉलिड मिनिमम, बिकॉज ये पार्टिकल बेटा बहुत ही पास पास हैं, ये मूवमेंट्स ज्यादा नहीं हो रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं एक दूसरे को, मूवमेंट्स नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? मिनिमम. गैस फेज में पार्टिकल दूर हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनका मूवमेंट ज्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. ओके, क्लियर? तो बेटा मैंने रिलेट किया सॉलिड लिक्विड एंड गैस के प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको, ठीक है, स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम मॉडरेट मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मॉडरेट मिनिमम. ओके, स्पेस हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर डिवाइडेड इंटू मेनली थ्री कैटेगरी. ओके, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, एंड गैस है, गैस का कोई फिक्स नहीं होता है, ना तो शेप ना ही ना तो वॉल्यूम. ओके, जो था फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो बेटा प्लाज्मा. क्या बेटा? प्लाज्मा. एक मिनट, नेक्स्ट बेटा प्लाज्मा, थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग. प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल.
बेटा किसी भी पार्टिकल में मैक्सिमम एनर्जी, सुपर एनर्जेटिक एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगा तो उसका एक नया स्टेट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, लाइक एग्जांपल सन. सन में बेटा हाइड्रोजन एंड अदर गैस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल. ओके, द स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, इसमें हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होंगे जो स्टेट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. क्या होगा बेटा? प्लाज्मा. हमने कहा एग्जाम्पल सन का. सन में हाइड्रोजन एंड अदर एटम या गैसियस एटम जो होते हैं उनमें एनर्जी बहुत हाई होती है, और ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं. हाई एनर्जी पार्टिकल का मूवमेंट्स होता है और क्या होता है, उसमें ग्लोइंग होता है. नेक्स्ट बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका जस्ट अपोजिट है. प्लाज्मा का जस्ट अपोजिट क्या है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. इसमें क्या करते हैं बेटा? गैस को एक लो डेंसिटी पर एग्जिस्ट करते हैं, लो डेंसिटी मतलब हाई स्पीड पर इसे कूल करते हैं, बाय कूलिंग. बाय कूलिंग ए गैस एक्सट्रीमली 100,000 टाइम. ओके, इसको क्या करते हैं? कूल करते हैं गैस को एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर. ओके, अबाउट 100 to 1,000 टाइम ऑफ द इनिशियल प्रेशर. ओके, इनिशियल टेम्परेचर. तो नेक्स्ट स्टेट जो एग्जिस्ट करता है बेटा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट. ओके, तो आपने बेटा फाइव स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किया, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ प्लाज्मा, नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, देन आस्क मी. ओके, अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक में, कोई भी चीज समझने में, या आपको वॉइस क्लियर नहीं है, या राइटिंग प्रॉब्लम में दिख नहीं रहा आपको, विजुअल नहीं है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उसको. ठीक है, थैंक यू.